नहीं, यही बेटा शैतान की कामयाबी है कि जो करने का काम छुड़ा देता है नेकी के रूप में। मैंने अर्ज किया ना, कुरान ख़त्म करना भी एक भी कोई ज़रूरी नहीं। आप इसकी बजाय एक आध सूरत ले लें, आज से चुन लें और कुछ तफसीरें लेकर तर्ज में उस पर तवज्जो मरकूज करें, उसको समझें। जो नहीं समझ में आती बात, एक सूरत भी आपको पूरी समझ आ गई ना रमज़ान में, वो ख़त्मों से बेहतर है। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपको खैरियत से रखे, खुशियाँ नसीब करें, अपने घरों में खैरियत से रखे अल्लाह। बेटा जो नहीं पढ़ सकता ना, वो अगर सुनता है तो बड़ी देखी है, किसी दूसरे से सुनता है। हाँ, बहुत अच्छी बात, स्वाब मिलता है। जो पढ़ ही नहीं सकते बेचारे अनपढ़ रह गए, वो पुराने मरीज खोल कर उंगली उस पर फेंकते जाए ना मोहब्बत, इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें दिया करते। वो जानता कि ये बेचारा इतना ही कर सकता, अल्लाह की किताब से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। वो हर शख्स की सलाहियतों से वाकिफ है, ये तर्जमे पढ़ सकता है, नाजरा ही पढ़ सकता है, ये बेचारा सिर्फ देख ही सकता है, उसको देखने का भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरा नंबर आप नोट करें ना, जहाँ से जी चेक करें। अब बेटा इंटरनेट पर भी सारी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से सुन रही, और इतने बच्चे बच्चियाँ पूछ रहे हैं, मैं तो फिर रिसीवर उतार कर रख देता हूँ कि मेरा सोना हराम हो गया। नहीं, वो कहते हैं हमने सब के चैनल छोड़ दिए सिवाय झगड़े और फसाद के, कोई नहीं, आप जो इस्लाम बताते हैं बस ठीक है। ठीक है बेटा, ये नंबर नोट करवा दें बच्चे। हैं इतने लिख दो ना शावर, जब जी चाहें बेटा पूछें, कोई मसला आप पूछें, मेरी बेटियां आप अल्लाह ताला खैरियत से रखे आपको। ये तो फिर उसको देख, खुद देखना चाहिए ना कि ये मुशक्कत बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए बाद लोग जो है ना इतकाब बैठ जाते हैं मगर आदाब मरूद नहीं रखते, गप्पे मारते हैं, फजूल हरकतें करते हैं। उनके बारे में मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबाजी साहब अपनी तस्वीर में लिखते हैं कि ये सवाब कमाने की बजाय गुनाह ना खरीदें, छोड़ें इतकाब की बजाय और नेकियां कर लें। इतकाब में गुसल नहीं बचता, बिल्कुल कोई दलील नहीं, किसी इमाम ने इजाज़त नहीं दी, ये लोगों ने अपनी तरफ से निकाला कि आप अपना सर मुबारक दिलवाते थे। भाई वो तो आपके खिलाफ है, सारे मुबारक दुलवाना के मस्जिद में बैठे सारे इस तरह कर देते, अगर जायज़ होता नहाना लेते जाकर। सर, इस मकसद के लिए दुआ बता दें, बच्चे के लिए भी दुआ। बच्चा सरकश है, बच्चा नहीं, बिल्कुल ठीक है। बेटी ने ना ये कहा कि बेटे के लिए अल्लाह ताला ने एक औलाद दे, कोई दुआ बता दें। इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा, दरमियान में बात भी करनी पड़े बेशक कर ले, मगर ये दो दुआएं जो कुरान मजीद ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम की नकल की, एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, 86 साल उम्र हो गई, बेटा कोई ना हुआ, उन्होंने दुआ की जो सूरह यासीन के आगे सूरह सवाफात में आती है, रब हबली मिनस सालिहीन। और दूसरी दुआ जो सूरह अम्बिया में ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े सर के बाल सफ़ेद बीवी बांझ, रब ला तज़रनी फ़र्ज़न वअन्त खैरुल वारिसीन। ये बेटा दोनों मिला करना, या जुदा जुदा भी 100 पढ़ ली फिर दूसरी